और साथ ही साथ मित्रों प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने एक जंग शुरू किया। 3 साल हो गए हमारा सरकार आके, कोई भी उंगली नहीं उठा सकते केंद्र सरकार के बारे में, कोई भ्रष्टाचार का नाम सुनने के लिए भी नहीं मिल रहे। और कांग्रेस का जमाना में, पुराना जमाना में घोटाला घोटाला घोटाला, सुबह घोटाला, दोपहर में घोटाला, रात को घोटाला, उस जमाने में क्या होते थे आपने सुना होगा, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, आकाश घोटाला। उन्होंने भूमि को नहीं छोड़ा, भूमि के ऊपर कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, भूमि के अंतर्गत भूगर्भ में कोयला घोटाला, आकाश में अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, अंतरिक्ष में 2G घोटाला। अंतरिक्ष को नहीं छोड़ा, आकाश को नहीं छोड़ा, भूमि को नहीं छोड़ा, भूगर्भ को नहीं छोड़ा, जो मिला वो लूट 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 करते रहा। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए सभी भ्रष्टाचारी दुखी है, वो लोग कह रहे क्या सर, ये प्रधानमंत्री सोते नहीं, किसी को सोने देते नहीं, वो काचे नहीं, किसी को खाने देते नहीं, पुराना जमाने में अच्छा होते थे, वो लोग भी काचे थे, हमको भी खाने देते थे, ये प्रधानमंत्री क्या है, काचे नहीं, किसी को खाने देते नहीं, काचे नहीं माने खाना नहीं, मैगी नहीं, बैगी, बैगी खाने नहीं देते, ऐसा लोगों को शिकायत है। इसलिए मित्रों प्रधानमंत्री जा रहे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना, देश को कालाधन से मुक्त करना, देश के गरीबी को उन्मूलन करना, उनके लिए मदद करना, उनके लिए मकान, उनके लिए प्रशिक्षण और गांवों का उत्थान होना, ये प्रधानमंत्री का प्राथमिकता है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना, लोएस्ट प्रीमियम हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन, और गांव गांव तक सड़क का निर्माण करने का काम उन्होंने हाथ में लिया। अभी मैं आपका गांव देखा मुख्यमंत्री जी, वसुंधरा जी, एक गौरव पद के नाम का एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, और एक गांव में सीसी रोड निर्माण करने का काम वसुंधरा जी ने लिया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, कारण क्या है, गांव के लिए सड़क बहुत जरूरी है, गांव के लिए सड़क नहीं है तो व्यापारी नहीं आएगा, उद्योगपति नहीं आएगा, अधिकारी भी नहीं आएगा, गांव के लिए सड़क नहीं है तो वीडियो वीडियो डीडीओ एडीओ कलेक्टर डॉक्टर एक्टर ट्रैक्टर कुछ नहीं आएगा गांव, इसलिए सड़क बहुत जरूरी है। सड़क का निर्माण वाजपेयी जी ने शुरू किया, प्रधानमंत्री सड़क योजना, और वसुंधरा जी गांव के अंतर्गत इंटरनल रोड का निर्माण करने का काम भी प्रदेश सरकार ने लिया है। कारण क्या है, गांव का उत्थान होना चाहिए, यहां का शिक्षा के लिए टीचर्स का नियुक्ति, और यहां का ग्रामीण इलाके में सेवा जो सरकार का सेवा है उपलब्ध कराने के लिए अटल सेवा केंद्र मैंने अभी देखा, उद्घाटन भी किया है, और मैं देखा है अन्नपूर्णा भंडार, ये सभी गरीब के हित में, गांव के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर एक काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो गैस सिलेंडर होता है ना, उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर पहले ब्लैक मार्केट में जाते थे, अमीर लोग भी लेते थे, प्रधानमंत्री कहने के बाद 1,40,00,000 लोगों ने अपना सब्सिडी छोड़ दिया। उस कारण से आने वाले दिनों में 5 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के लिए, शहरी महिलाओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा, पहली बार मुफ्त में मिलेगा।